ओम शांति। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने के लिए स्वमान दिया कि बच्चे तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी, तुम्हें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। तो बाबा की शिक्षाओं को पक्का करने के लिए हम अपने एक एक स्वरूप का गहराई से अभ्यास करेंगे और उसी स्थिति में बाबा की शिक्षाओं का पाठ पक्का करेंगे, अपनी ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। आज बाबा ने मुझ ब्राह्मण को जो श्रीमत दी है कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, देह अभिमान में आना भी बड़ा विकर्म है, इसलिए आज बार बार अपने अनादि स्वरूप को सामने लाए, देखे अपने स्वरूप को चमकता हुआ पवित्र सितारा, संपूर्ण पवित्र। ये मेरी अनादि स्थिति है। इसी स्थिति में रहकर बाप को याद करना है। तभी बाबा ने कहा, बच्चे विकर्मों से बच सकेंगे। ये देही अभिमानी आत्मिक स्थिति ही आत्मा को संपन्नता का अनुभव कराएगी। तो अपने ब्राह्मण स्वरूप के साथ साथ अपने अनादि स्वरूप को भी पक्का करें। बाबा ने मुझ ब्राह्मण को आज श्रीमत दी है। बच्चे कोई भी विकर्म हो सच सच सुनाना है। ज्ञान की पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करके लिखना है। ये मुझ आत्मा के लिए आज की श्रीमत है। अब अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने लाए, संपूर्ण बाप से कंबाइंड रूप, इसी स्वरूप में स्वयं को संपन्न स्थिति में अनुभव करें। आज बाबा ने कहा, बच्चे सबको संदेश पहुंचाना है। सभी समस्याओं का भी समाधान करते हुए खेल अनुभव करना है, मनोरंजन अनुभव करें। कैसी भी नाजुक परिस्थिति में भी परिपक्व बनना है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप ही
ऐसी स्थिति का अनुभव कराएगा। अब अपने देव स्वरूप को देखें, संपन्न स्वरूप, हर्षित चेहरा। बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम्हें तो सबको संतुष्ट करके खुशी में नाचते रहना है, सदा हर्षित चेहरा रखना है। तो देव स्वरूप को सामने रखते हुए भविष्य दुनिया को याद करते हुए स्वयं को हर परिस्थिति में खुशी में रखें। अब अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाएं, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा संसार को संतुष्टता का वरदान देना है। बाप के साथ कंबाइन होकर मैं स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। सबको विजयी भव का वरदान देना है। बाबा के आज की इन शिक्षाओं को मुझे बार बार पक्का करना है। सदा स्वयं को ब्राह्मण स्वरूप में बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करें और आत्मा सितारा चमकता हुआ अनुभव करें। मैं आत्मा, ये देही अभिमानी स्थिति मुझे बाप समान संपन्न बनाएगी। इसी अवस्था में आत्मा खुशी में नाच उठेगी। अपने फरिश्ते संपन्न स्वरूप में स्थित होकर हर समस्या का समाधान करें। अब तो समस्याएं खेल अनुभव हो। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें किसी को तंग नहीं करना है, तंग होना भी नहीं है किसी से भी। कोई भी बात आए, कोई भी कारण हो, मनोरंजन का अनुभव करना है। यही आज अभ्यास करें। अपने भीतर जाए, स्वयं की संपन्नता को महसूस करें और गहरी याद के द्वारा विकर्मों से बचते रहे। कोई भी विकर्म न हो, ये अटेंशन रहे। मुझे ऑलराउंड बन करके पार्ट बजाना है। मैं विजयी आत्मा हूँ, सदा हर्षित रहना है।